बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा इनफॉर्म। तो फार्मा इनफॉर्म में हमने, जैसे कि आपको पता है, टैबलेट की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हमने ग्रैनुलेशन पढ़ लिया है, कंप्रेशन स्टार्ट की हुई है, कंप्रेशन के स्टेजेस पढ़ रहे हैं। स्टेजेस में भी हमने पहली दो स्टेजेस पढ़ ली हुई हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोज़ देख लें ताकि आपको समझ आ सके। तो कंप्रेशन बेसिकली काफ़ी टेक्निकल एक कंसेप्ट होता है, कंप्रेशन मशीन को समझना। कि रूटीन में तो लगता यही है कि कंप्रेशन एक सिंपल सा प्रोसीजर है, पाउडर आ रहा है और टैबलेट कंप्रेस होके बाहर हमें मिल रही होती हैं। लेकिन इस मैकेनिज्म को समझने के लिए काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है, जो कि हमने पिछले शुरू वाली दो स्टेजेस को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर किए। जो पार्ट्स मशीन के बाहर नज़र आ रहे होते हैं और जो मशीन के अंदर होते हैं, जो कि फिजिकली हमें बाहर से नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उनका मैकेनिज्म क्या होता है, हमने उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो आपने उन वीडियोस को देखना हो तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं आप। आज की वीडियो शुरू करने से पहले भी यही कहूँगा, आज हमने जो बेसिकली तीसरी हमारी स्टेज है कंप्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये पढ़नी है। पहले हम फिलिंग पढ़ चुके हैं, फिर हम वेट एडजस्टमेंट या मैटरिंग भी पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है प्रेशर एप्लीकेशन, मेन स्टेज है। समझने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि पहली स्टेज में तो हमारा पाउडर भी फिल हो गया, उसका वेट भी एडजस्ट हो गया। अब जो प्रेशर अप्लाई होता है वो किस तरह किया जाता है, टैबलेट कैसे बनती है, प्रेशर को इनक्रीज कैसे किया जाता है, डिक्रीज किससे किया जाता है, कैपिंग वगैरह के इशू आ रहे होते हैं तो उसमें प्रेशर को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी, कलरफुल सी बनाई है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हमने क्या कहना है या क्या समझना है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कंप्रेशन है बेसिकली हमारी तीसरी स्टेज। कि कंप्रेशन क्या होती है या एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इस स्टेज में बेसिकली जो हमारा होता है प्रेशर वो अप्लाई होता है। टैबलेट का जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, सॉरी कंप्रेशन मशीन का, तो उसमें भी हमने इस तरह की डायग्राम को डिस्कस किया था ये समझने के लिए कि प्रेशर कैसे अप्लाई किया जाता है, हार्डनेस कैसे कम ज़्यादा की जाती है। क्योंकि वहाँ पर हमने प्रिंसिपल को समझना था तो ज़रूरी था। मेन जो उसका रोल होता है वो इस स्टेज में आता है कि जहाँ पर हमने अपने पाउडर्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसको टैबलेट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको देखते हैं। कंप्रेशन या कंप्रेशन प्रेशर, बेसिकली हमारी टैबलेट्स के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये हॉपर है, पहले स्टेज में फिलिंग होती है, हॉपर्स के थ्रू पाउडर्स हमारे फीडर्स में आते हैं, फीडर से बाद में हमारा दूसरी स्टेज में उसका वेट एडजस्ट हो जाता है। अब तीसरी स्टेज में उस पाउडर या ग्रेन्यूल को हमने करना होता है कंप्रेस। तो एक चीज़ आपको बताता चलो, शायद पहली वीडियो में बताई नहीं है कि हमारी जो कंप्रेशन मशीन्स होती हैं उसका जो फीडिंग सिस्टम होता है वो भी डिपेंड करता है कि वो सिंगल फीडिंग स्टेशन पे है या डबल फीडिंग स्टेशन पे है, या सिंपल के डबल हॉपर कंप्रेशन मशीन है या सिंगल हॉपर कंप्रेशन मशीन है। बाद कंप्रेशन मशीन में हमारे एक ही हॉपर लगा होता है, हमें एक राउंड में जितने नंबर ऑफ पंचेज इंस्टॉल होते हैं उस लिहाज से टैबलेट मिल रही होती हैं। अगर डबल फीडिंग सिस्टम होता है तो एक साइड से एक हॉपर फीड कर रहा होता है, दूसरी साइड से दूसरा हॉपर फीड कर रहा होता है, और जो टैबलेट्स हमें पर राउंड पर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, फर्ज किया अगर हमारी कंप्रेशन मशीन के नंबर ऑफ पंचेज 25 हैं तो सिंगल पंच में, सिंगल हॉपर में हमें एक राउंड में 25 टैबलेट मिलेंगी। और बेसिक समझाने के लिए क्या बता रहा हूँ आपको, वैसे तो RPM मिनट्स और घंटे की जो कैलकुलेशन करते हैं कंप्रेशन मशीन की वो हम बाद में समझेंगे। डबल हॉपर में अगर हमारी कंप्रेशन मशीन में दो हॉपर इंस्टॉल हैं उसी पैरामीटर्स पे, ये एक राउंड में 25 पंच ऊपर लगे हैं 25 नीचे लगे हैं, तो सिंगल हॉपर पंच में वो 25 टैबलेट निकाल रही है, डबल हॉपर में वो जो होगी 50 टैबलेट निकाल रही होगी। तो इसको समझने के लिए हम कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी कैलकुलेशन की अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट के लिए था कि ये डबल हॉपर जिस तरह एक साइड पर एक हॉपर होता है, एक साइड पर दूसरा हॉपर होता है, दरमियान में सारा हमारा ये टर्रेट इंस्टॉल होता है जिसमें हमारे पंच होल्डर्स होते हैं, पंचेज इंस्टॉल होते हैं, डाई टेबल होता है जिसके ऊपर डाई इंस्टॉल होती हैं। और ये जो दो चीज़ें हमने आज मेन पढ़नी, बेसिकली
ये हमें फिजिकली कंप्रेशन मशीन में रूटीन में नज़र नहीं आ रही होती अगर हमारी मशीन कंप्लीटली क्लोज सिस्टम पे हो तो, क्योंकि सारा कुछ ये कवर्ड होता है। तो ये हम देखेंगे ये क्या होता है। इस स्टेज में बेसिकली व्हील्स का ही रोल होता है मेन, या कंप्रेशन रोलर्स का। देख रहे होंगे आप सेट ऑफ प्री कंप्रेशन व्हील्स, कि एक सेट होता है प्री कंप्रेशन व्हील का, यानी कि ऊपर एक प्री कंप्रेशन व्हील लगा होता है, एक नीचे लगा होता है, एक सेट ये हो गया। अगर तो ये सिंगल हॉपर कंप्रेशन मशीन है तो सिंगल हॉपर में बेसिकली प्री कंप्रेशन का इतना रोल जो है इंस्टॉल हो, तो प्री कंप्रेशन को हम समझ सकते हैं इसका रोल क्या होगा। डबल हॉपर क्योंकि एडवांस टाइप की मशीन होती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, उसमें प्री कंप्रेशन के जो हमारे होते हैं दो रोल इंस्टॉल होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। इसी तरह मेन कंप्रेशन रोल, सेट ऑफ मेन कंप्रेशन व्हील्स, एक सेट हो गया। हम पढ़ेंगे बेसिकली सिंगल कंप्रेशन मशीन को, डबल हॉपर तो बेसिक कंसेप्ट वही होगा, सिंगल को लेके चलेंगे तो समझने में इजी होगा। सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन में हमारे पास अगर एक सेट है व्हील्स का, मेन प्रेशर व्हील्स का ऊपर लगा हुआ है, एक कंप्रेशन व्हील्स का नीचे लगा हुआ है, तो प्री कंप्रेशन को समझाने के लिए आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसी तरह दो प्री कंप्रेशन के व्हील्स होते हैं, एक व्हील ऊपर लगा होता है एक व्हील नीचे लगा होता है। प्री कंप्रेशन व्हील्स का रोल क्या होता है और मेन कंप्रेशन व्हील्स का रोल क्या होता है। सिंगल कंप्रेशन मशीन मोस्टली जो हमारी आती है ज़्यादातर 17 या 19, उनमें मोस्टली प्री कंप्रेशन इंस्टॉल नहीं होती, ज़्यादातर डबल हॉपर्स में इंस्टॉल होती है। कंसेप्टली वैसे आपको बता रहा हूँ, या हो सकता है किसी मॉडल में इंस्टॉल भी हो, लेकिन हम डबल में तो ये मोस्टली हर मॉडल में इंस्टॉल होती हैं, सिंगल में देखा जा सकता है। अब प्री कंप्रेशन व्हील्स अगर इंस्टॉल हो गए, अगर फर्स्ट गया सिंगल हॉपर मशीन में प्री कंप्रेशन व्हील नहीं है, तो मेन कंप्रेशन व्हील ही हमारा प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। हम अगर डबल हॉपर कंप्रेशन मशीन के एग्जांपल लेंगे, तो प्री कंप्रेशन अगर व्हील इंस्टॉल है तो इनका फायदा क्या होता है। एडवांस मशीन्स में जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई है, इनको इंस्टॉल किया गया है साथ मशीन्स में मेन रोल से पहले, कि ये हमारी जो ग्रेन्यूल थी पाउडर के अंदर एयर इंट्रैप होती है बेसिकली, उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये प्री कंप्रेशन है, नाम से शो हो रहा है कि कंप्रेशन से पहले प्री है, यानी कंप्रेशन से पहले प्री कंप्रेशन है। मेन कंप्रेशन करने से पहले हम अपने पाउडर्स को फिल करके फीडर से, आपस से जब फीडर में आते हैं, फीडर से डाई फिल हो जाती है, डाई से वेट एडजस्ट हो जाता है, तो उस पर लिटल प्रेशर अप्लाई करते हैं, थोड़ी रिड्यूस क्वांटिटी वाला। अगर यहाँ पे हम 10 प्रेशर 10 की वैल्यू ले रहे हैं, तो फर्स्ट गया यहाँ पे हम 3 4 5 अप्लाई कर रहे होते हैं मेन। यहाँ पे हम टैबलेट फॉर्म नहीं करते, यहाँ पे सॉफ्ट टैबलेट मैस प्रोड्यूस करते हैं, कि अगर हम उसको हाथ से भी प्रेस करें तो वो टूट जाती है, लेकिन शेप उसकी टैबलेट की बन जाती है। इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि वो हमें टैबलेट की शेप में कंप्रेस करके ग्रेन्यूल को थोड़ा प्रेशर अप्लाई करे। तो हम पढ़ रहे थे प्री कंप्रेशन और मेन कंप्रेशन व्हील्स के बारे में। तो बेसिकली प्री कंप्रेशन व्हील्स आपको समझाने के लिए बता रहा था, मोस्टली ये जो डबल फीडिंग स्पीड या एडवांस किस्म की मशीन होती है उनमें तो इंस्टॉल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ हो रही होती है सिंगल कंप्रेशन मशीन 17 19, मोस्टली मैंने उनमें ये इंस्टॉल नहीं देखे, हो सकता है किसी मॉडल में हो, लेकिन ये जो बास डबल फीडिंग सिस्टम वाले पुराने मॉडल्स में भी ये इंस्टॉल नहीं है, लेकिन एडवांस मॉडल्स में ये मोस्टली इंस्टॉल होते हैं। इनका रोल यही होता है कि इन ट्रैप एयर को रिमूव करते हैं। मेन जो हार्डनेस या प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे मेन व्हील्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं हमारे पाउडर के ग्रेन्यूल्स के ऊपर, लिटिल बिट प्रेशर अप्लाई करके उसमें से जो ट्रैप एयर होती है उसको रिमूव करते हैं। उस एयर रिमूवल के बाद हमारा टर्रेट रिवॉल्व करके आगे आता है, तो यही पंचीज और डाइज जो होते हैं ये हमारे जब इस मेन कंप्रेशन व्हील के नीचे से गुजरते हैं तो इसके ऊपर मेन प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इसमें जो अपर व्हील होता है वो फ्री होता है, जैसे जैसे टर्रेट स्पीड के साथ पंचीज उसमें घूम रहे होते हैं, ये भी स्लो स्लो रिवॉल्व कर रहा होता है बार दफ़ा, लेकिन जो मेन नीचे वाला व्हील होता है ये फिक्स होता है और इसके साथ एक नोब अटैच होती है। उस नोब को आप रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, अगर एक साइड पे घुमाएं तो व्हील ऊपर आता है, दूसरी साइड पे घुमाएं तो व्हील नीचे चला जाता है। जब ये व्हील ऊपर आएगा तो पंच को ये ऊपर को पुश करेगा, जिसकी वजह से ऊपर वाला पंच तो वहीं रहेगा, हमारा प्रेशर टैबलेट के ऊपर बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है और टैबलेट की थिकनेस कम हो जाती है। अगर ये हमारा फर्स्ट ये व्हील है
इसके साथ हमारा ये नॉब लगी है, अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो व्हील ऊपर आएगा, ये अगर इसके ऊपर पंच है तो ये पंच को भी ऊपर कर देगा। अगर हम नॉब को दूसरी साइड पे घुमा रहे हैं तो अगर व्हील नीचे आएगा तो हमारा ऊपर वाला जो पंच है वो भी नीचे आएगा। जब ये पंच नीचे आएगा तो गैप यहाँ बढ़ता है बेसिकली, जिस तरह हमने वेट वाले साइड पे देखा था, तो प्रेशर भी उस लिहाज से कम अप्लाई होता है, उसकी टैबलेट की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि हमारा जो कंप्रेशन का प्रोसीजर होता है, कंप्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वो कंप्रेशन की स्टेज में किस तरह एग्जर्ट होता है, अपन अपनी हार्डनेस को बीएमआर के अकॉर्डिंग जैसे वेट सेट करते हैं, थोड़ा सेटिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही हार्डनेस एडजस्ट करने के लिए भी, उसको फिक्स करने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ऑपरेटर उसको एडजस्ट करके साथ साथ हम सैंपल लेके हार्डनेस चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी रेंज में हार्डनेस आ जाती है वहाँ पे हम अपनी इस व्हील की नॉब को फिक्स कर देते हैं और हमारा फिर कंप्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि प्री कंप्रेशन और मेन कंप्रेशन रोलर्स की आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारा ये डबल हॉपर मशीन होती है तो बेसिकली इसमें, क्योंकि एक हॉपर का सिस्टम इधर होता है एक इधर होता है, एक अपर व्हील और लोअर व्हील प्री कंप्रेशन का यहाँ लगा होता है, एक मेन कंप्रेशन का अपर व्हील और लोअर व्हील यहाँ पे लगा होता है, ये इस हॉपर की जो टैबलेट्स होती है उनको कंप्रेस कर रहा होता है और प्री कंप्रेस कर रहा होता है। इसी तरह इस हॉपर के लिए ऐसी ही जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होती है, यानी इस हॉपर के लिए मशीन में ऐसे ही प्री कंप्रेशन अपर लोअर व्हील इंस्टॉल होते हैं और मेन कंप्रेशन अपर व्हील लोअर व्हील इंस्टॉल होते हैं। यानी अगर हमारी डबल हॉपर या डबल फीडिंग कंप्रेशन मशीन है तो उसमें एक दो और एक दो यहाँ पे चार प्री कंप्रेशन व्हील होंगे और एक दो तीन चार और चार ही मेन कंप्रेशन व्हील होंगे। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोशिश यही की है कि आपको सिंपल सा जो मैकेनिज्म था कंप्रेशन का इसको इजीली समझा दिया जाए। मजीद कंसेप्ट के लिए प्री कंप्रेशन व्हील्स का बताया था, मेन रोल हमारा मेन कंप्रेशन रोल का होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, वो टैबलेट इंजेक्शन को पढ़ेंगे कि फिलिंग भी होगी, वेट भी सेट हो गया, हमारी टैबलेट कंप्रेस भी होगी, तब उसने डाई में से निकलना कैसे है। एक चीज़ और बताता चलो कि मेन हमारा जो प्री कंप्रेशन होगा, आपने देख लिया होगा कि प्रेशर लोअर व्हील से एग्जर्ट होता है, इसलिए इसमें मेन रोल भी लोअर पंच का होता है। तो कंप्रेशन प्रेशर को या एप्लीकेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।